पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कलैप्स भी हो सकता है। आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है, 2 मिनट में वो पैकअप करके चले गए। लेकिन 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडिया इंडियन कंपनी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी के नए अध्यक्ष रमीज राजा ने कहा है कि अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग बंद कर दे तो पीसीबी पूरी तरह खत्म हो सकता है। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कलैप्स भी हो सकता है। इसी मामले पर पीसीबी के नए अध्यक्ष रमीज राजा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। करीब 1.25 मिनट के इस वीडियो में रमीज राजा जो कह रहे हैं उसके मुताबिक ये लगता है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट का आंका भी बीसीसीआई ही है, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ही उसे चला रहा है। वायरल वीडियो में रमीज राजा ने कहा है कि अगर आईसीसी की फंडिंग बीसीसीआई बंद कर दे तो पीसीबी पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। पीसीबी के नए बॉस बने रमीज राजा ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बजट का 50% हिस्सा आईसीसी से मिलने वाले अनुदान से आता है, जबकि आईसीसी को अधिकांश राजस्व बीसीसीआई से मिलता है। ऐसे में समय आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी निर्भरता आईसीसी पर कम करे और अंतर प्रांतीय मामलों की सीनेट की अस्थायी समिति के समक्ष इस्लामाबाद में गए। रमीज राजा के बयान का ये वीडियो बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने पोस्ट किया है। वायरल हुए इस वीडियो में रमीज राजा ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि मुझे डर है कि अगर भारत फंडिंग रोक देता है तो पीसीबी ध्वस्त हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से आईसीसी को 0% फंडिंग होती है। इस बैठक में रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आत्मनिर्भर बनने का सपना दिखा रहे थे। पीसीबी की हालात क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान जाकर कोई भी देश क्रिकेट खेलना नहीं चाहता। हाल ही में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने भी अपना पाक दौरा रद्द कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट की न सिर्फ किरकिरी हुई थी बल्कि तगड़ा नुकसान भी हुआ था। फिर मैं समझता हूँ जी, और जो फ्राइटनिंग चीज है मैं आपसे शेयर करूंगा, और मैंने सबसे क्रिकेट बोर्ड में भी कहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है, और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं, और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आते हैं। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कलैप्स भी हो सकता है। उसकी फाइन से जी, अब लेकिन 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडिया इंडियन कंपनी। आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ा होगा जी सामने, आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है, 2 मिनट में वो पैकअप करके चले गए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्रिकेट की उस हिसाब से नहीं है। पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी को? हम 0 करते हैं, क्योंकि हमारी तो ड्यूटी नहीं है।